नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चीनी से और पानी के गिलास से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार होती है, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है, अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम हमेशा की तरह सबसे पहले समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो ये जो विधि है ये आपको रात्रि में करनी है, रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि करनी होगी। किसी भी दिन की रात्रि 12 बजे के बाद आप ये विधि करेंगे, पर माताएं बहनें ध्यान रखेंगी कठिन दिनों में वो ना करें। जब वह कठिन दिनों में हो तो विधि शुरू ना करें, और अगर विधि शुरू हो गई और बीच में कठिन दिन आ गए हैं तो विधि को वही रोक दें। ये बात आपको ध्यान रखना है। समय रहेगा रात्रि का, किसी भी दिन की रात्रि में आप ये कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे के बाद करना है। किसी भी पक्ष में आप ये कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है, रात्रि 12 बजे बाद। और माताएं बहनें कठिन दिनों में नहीं करेंगी। और दूसरी सावधानी यह है कि मांस मदिरा का सेवन करके, कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करने के बाद इस विधि को नहीं करे। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है, अगर आपने भोजन मांस मदिरा का कर रखा है तो आप विधि शुरू ना करें, और विधि जितने भी दिन चलेगी उतने दिन इनसे दूरी बना लें। ये दो सावधानी है। अब मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री की। तो विधि की सामग्री में आपको लेके रखना है इतनी लगभग चीनी, इससे कम भी आप उपयोग में ले सकते हैं, हमने इतनी ली है, आपको इतनी चीनी लेनी है, और पानी का एक गिलास साफ सुथरा जल आपको इस विधि में उपयोग करना होगा। और गिलास किसी भी धातु का आप उपयोग में कर सकते हैं, तांबे का आप ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं। ये दो सामग्री आपको इस विधि में लेनी होगी। ये दो सामग्री के साथ आपको ये विधि शुरू करनी है। कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा मित्रों, क्योंकि जो भी तांत्रिक काम करें कपड़ा बिछा कर करें। अगर कपड़ा बिछा कर नहीं कर पाएंगे तो तांत्रिक कार्य नहीं हो पाएगा। खुद भी किसी आसन पर बैठे और ये जो सामग्री है इसको भी कपड़ा बिछा कर ही रखें। तो अब मित्रों विधि शुरू करते हैं। विधि में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो है चीनी, इसके किसी भी बर्तन में रख लीजिएगा, किसी भी बर्तन का उपयोग कर लीजिएगा। आप किसी छोटे बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं, हमने ये इतनी बड़ी ली है, हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो हमने थोड़ा ऑब्जेक्ट ज़्यादा उपयोग में लिया है। आप किसी भी बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, और इतनी लगभग इससे कम चीनी लेकर या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बर्तन को सीधे हाथ में रख लेंगे, चीनी को आपने सीधे हाथ में रख लिया, अब उसको अभिमंत्रित करेंगे। मित्रों, ये जो तांत्रिक कार्य होते हैं इनमें मंत्र की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। जब तक कोई व्यक्ति मंत्र नहीं बोलेगा कार्य कहीं भी सफल नहीं हो पाएगा। तो मित्रों मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मंत्र की पिक्चर चला ली जाएगी। मंत्र है ओम महातंत्र कालेश्वर सामने वाले का नाम सर्ववशीकरण कार्य सफल कुरु। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। ओम महातंत्र कालेश्वर सामने वाले का नाम सर्ववशीकरण कार्य सफल कुरु। 108 बार आपको अभिमंत्रित करना है, 108 बार मंत्र बोलना है। 108 बार बोलने के बाद, आपने 108 बार मंत्र बोल दिया, उसके बाद आपको जितनी भी चीनी आपने ली है सारी इसमें पानी के गिलास में डाल देनी है। जितनी भी चीनी का आपने उपयोग किया था सारी की सारी पानी के गिलास में डाल देंगे, रखेंगे नहीं कुछ भी, एक भी दाना चीनी का बर्तन में नहीं रहना चाहिए। सारी चीनी आप डाल देंगे। पूरी चीनी डालने के बाद, आपने जब ये पूरी चीनी डाल दी, अब इसको किसी वस्तु से, जैसे मैंने ढक दिया, किसी बर्तन से आप भी ढक देंगे। ऐसे करने के बाद मित्रों आपको इसको अपने सिरहाने के पास किसी टेबल पर रखकर सो जाना है। पहले दिन की रात्रि का कार्य यही था, आपने थोड़ी बहुत चीनी ली,
एक बर्तन में उसको अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के बाद जब आपने उसको अभिमंत्रित कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस चीनी को, जितनी भी चीनी थी, एक पानी के गिलास में डाल देंगे। फिर उसको ढक कर, उसको एकदम कवर करके अपने सिरहाने के पास किसी टेबल पर रखकर सो जाएंगे। पहले दिन की रात्रि का कार्य कर चुके हैं आप, अब आएगा दूसरे दिन की सुबह का कार्य। दूसरे दिन की सुबह आपको क्या करना है, दूसरे दिन की सुबह उठते ही, जब आप उठ जाए सुबह, उसके बाद तुरंत आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। पहला कार्य यही करना है कि ये जो पानी का गिलास आपने लिया था, सुबह उठते ही इसमें 3 फूंक मारेंगे आप, और हर फूंक के साथ सामने वाले का नाम बोलेंगे। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम बोलेंगे, और नाम बोल के एक फूंक मारेंगे, फिर दूसरी बार फिर उसका नाम बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे, फिर तीसरी बार उसका नाम बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे। ऐसे 3 बार आपको फूंक मारनी है, और 3 बार फूंक मारने के बाद इसको वापस ढक कर आप अपने काम में लग जाएंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप फिर इसको, ये जो पानी का ग्लास है, इसको लेकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे। उसी दूसरे दिन ही करना है मित्रों, स्नान आदि से निवृत्त होने तक इसको कहीं संभाल कर रख देना है। उसके बाद इसको लेके जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां जाकर आपको पीपल के पेड़ पर अर्पित कर देना है, यानी सिंचित कर देना है पीपल के पेड़ के जड़ों में इस पानी को। पहले दिन का और दूसरे दिन की सुबह का कार्य आपने कर लिया है मित्रों, अब आएगा दूसरे दिन की रात्रि का कार्य। दूसरे दिन की रात्रि भी आपको लगभग इतनी ही मात्रा में चीनी लेनी है, उसको अभिमंत्रित करना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ, ओम महातंत्र कालेश्वर, सामने वाले का नाम, सर्ववशीकरण कार्य सफल करो। यही मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। 108 बार जाप करने के बाद उसी गिलास में, वही गिलास का उपयोग कीजिएगा, नया पानी, नया जल आपको लेना है, उसी में वो चीनी डाल देनी है, और फिर उसे ढककर अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है। फिर तीसरे दिन की सुबह आपको उठते ही 3 बार उस पानी में फिर से फूंक मारनी है, हर फूंक के साथ सामने वाले का नाम लेना है, और फिर जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर पीपल के पेड़, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा मित्रों, जो आप पे आपने दूसरे दिन गए थे, यानी पहली बार आपने जो किया था उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, और वहां जाकर उसको सिंचित कर देना इसी जल से। तीसरे दिन में मित्रों आपको यही करना है, चौथे दिन भी यही करना है, और पांचवें दिन भी यही करना है। पहले दिन की रात्रि के कार्य के सहित आपको 6 दिन कार्य होगा, 5 दिन आपको पीपल के पेड़ के जड़ों में अर्पित करना है। जब ये कार्य समाप्त हो जाए, उसके 3 से 4 दिनों के बीच में आपको आपके परिणाम मिल जाएंगे, और ये जो वशीकरण है ये इतना ताकतवर वशीकरण हो जाएगा, इतना पावरफुल वशीकरण हो जाएगा कि सामने वाला खुद आपसे आके बातचीत करेगा, आपसे अपने रिश्ते वापस सुधारने की कोशिश करेगा। अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे बातचीत बंद कर चुके हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो सामने से खुद आके आपसे बातचीत करेंगे। ये जो वशीकरण है उनको ऐसा दबाव डालेगा कि वो सामने से आपकी तरफ झुकाव होने लग जाएगा उनका। बाकी मित्रों विधि ध्यान से कीजिए, विधि में गलती नहीं होनी चाहिए, विधि एकदम सही करेंगे तो ही होगा, और विधि को कीजिए, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। 6 दिनों की विधि है कुल, 6 दिनों में आपके जीवन को बदलाव आ जाएगा, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके प्यार में हो जाएगा, पर गलत नियत से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नियत सही होनी चाहिए। अगर कार्य में नियत सही होगी तो आप जरूर सफल होंगे, अगर नियत ही गलत हो गई तो आपका कार्य आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सही नियत से करें और विधि में कोई गलती ना करें, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो, और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।